जैसा हम सबको जानकारी है कि पिछले चार दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाणा का जो नहर है या फिर एसवाइल उसके पानी का और फ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ ज़िलों में पड़ी है, और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अंबाला ज़िले में है। अंबाला ज़िले में कई गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाणा नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है, कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया, और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है, वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना काफ़ी विशेष है। आज मैं अभी एरियल सर्वे करके आया हूँ, जिसमें पानीपत जिले के कुछ गांव, करनाल जिले के इंद्री के आसपास के गांव, और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला ज़िले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गाँव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह होके आया हूँ। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है, नुकसान यमुनानगर ज़िले में भी हुआ कुछ जगह, कैथल ज़िले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई ज़िले जो ऐसे पानी जहाँ अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है, जैसे जींद ज़िले का नरवाणा क्षेत्र है, फतेहाबाद ज़िला है, सिरसा ज़िला है, या सोनीपत ज़िला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ हमको NDRF की आवश्यकता पड़ी है तो NDRF को हमने बुलाया है, जहाँ आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है, और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो पशु भी मरे हैं, मकानों का एक प्रकार से नुकसान, ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा, जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिज़ास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं, पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा जहाँ जहाँ ज़िले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गांव में चारा भेजेंगे। अगर अपने ज़िले में व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरे ज़िलों से भी चारा खरीद करके यहाँ भेजा जाएगा ताकि पशुओं को भी समय पर चारा मिल सके। भोजन पैकेट पहुँचाने के लिए हमारे पास वैसे तो नाव पर्याप्त हैं,
लेकिन जहाँ कुछ स्थानों पर नावों की जो कमी है वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, इसका प्रबंध भी हमने किया है ताकि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अगर भोजन पहुँचाने की आवश्यकता होगी तो वो सहायता भी आज से चालू हो जाएगी। सर, जो समीक्षा, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो एकदम मैं उसको पुख्ता कोई जानकारी तो नहीं, लेकिन हेयरसे की जानकारी मिली है कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस जो चलती हैं और इधर से मानसून दोनों एक साथ यहाँ आकर के कोलाइड कर गए हैं। खास करके उसका जो केंद्र है वो हिमाचल में कुल्लू मनाली साइड में आके बना और वहाँ से पानी का जो बहुत ज़्यादा वर्षा हुई उसके कारण से ही वहाँ हुआ, और इसका आगे चल करके पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा के बाद एकदम कोई बादल फटा है या और कोई कारण हुआ। यमुना का जलस्तर एक साथ जो एक दिन पहले 2 लाख क्यूसेक था और घंटों में ही 360,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, तो इतना पानी जब एकदम आता है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट उस समय तैयार नहीं होती कि निर्णय क्या लिया जाए। जितना पानी आया वो पानी आगे फिर नीचे इसलिए भी छोड़ना पड़ा कि अगर ज़्यादा पानी आता है तो बैराज को भी कई बार नुकसान हो सकता है, उसको भी डैमेज हो सकता है, तो पानी जितना ऊपर से आया था उसको उस समय छोड़ा, छोड़ने के बाद वो पानी नीचे फैला है। लेकिन अब चूँकि सारा कंट्रोल हो गया, वापस 360,000 के बजाय फिर से वो 2 लाख क्यूसेक तक आ गया है, इसलिए अब कोई ऐसी समस्या उसमें से नहीं। मॉनसून का सेशन लंबा रहने वाला है सर, उसको लेकर भी रहेगा कि और जिले जो हैं वो इफेक्टिव ना हो या दोबारा ऐसी कंडीशन ना हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर, उसको लेकर भी अधिक से। देखिए ड्रेनेज सिस्टम में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट ऐसा मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारी सारी तैयारी सामान्य वर्षा और सामान्य जो चीज़ होता है पूरी तैयारी थी, अकस्मात इतना पानी आएगा ये कोई ड्रेनेज व्यवस्था का फेल्योर नहीं है, सब चीज़ें तो आखिर मिल गई। एक एरिया जब अब होके आया हूँ मैं, ये जनसुई और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ तीन तीन चार चार जो फ्लो हैं एक साथ मिल गए, ओवर फ्लो कर गए हैं। अब ओवर फ्लो किए हैं तो इसमें से कोई व्यवस्था ख़राब थी ऐसा नहीं, लेकिन पानी की मात्रा ही इतनी थी। वहाँ घरघर का पानी भी ओवर फ्लो कर गया, वहाँ एसओएल का पानी ओवर फ्लो कर गया, वहाँ नरवाना भाखड़ा का ओवर फ्लो कर गया। जब सब चीज़ों का पानी ओवर फ्लो होगा तो पानी तो नेचुरल फिर बहाव जिसको मिलेगा उधर ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। तो एक प्रकार की नेचुरल कैलामिटी है ये, कोई किसी प्रकार का व्यवस्था का दोष ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैंने बताया ना कि तीनों जगह के पानी ओवरफ्लो हुए तो अम्बाला में उसका नुकसान हुआ। धन्यवाद।